और इंदौर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने एक बेतुका बयान दे डाला। उन्होंने मंच से कहा कि जैसे बांग्लादेश में सरकार की गलत नीतियों के चलते जनता पीएम आवास और राष्ट्रपति आवास में घुस गई, कब्जा कर लिया, ठीक उसी तरह भारत में भी हालात होंगे। उन्होंने कहा कि नाराज जनता पहले श्रीलंका में प्रधानमंत्री आवास पर घुस गई और अब बांग्लादेश में वही हुआ, अब अगला नंबर भारत का है। बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले तो ये जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है सज्जन सिंह वर्मा। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी रह चुके हैं और सभी बातों की गंभीरता को समझते हैं। संभव है जो इन्होंने कहा इसकी भी गंभीरता को समझ रहे होंगे, क्योंकि राजनेता जिस तरह से अन्य राजनीतिक दलों का, अपने विरोधी राजनीतिक दलों का विरोध करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन भारत की संप्रभुता को ललकारने, भारत की संप्रभुता को